हेलो स्टूडेंट्स सो ये एंथ्रोपोलॉजी का वीडियो है एंड इसमें पहले हम बात करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन को प्रिपेयर कैसे करें कि यू गेट गुड मार्क्स इन मेंस एग्जाम्स सो पहले स्टार्ट करते हैं इस कोर्स के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ट्वेंटी इयर्स फ्रॉम नाउ यू विल बी मोर डिसअपॉइंटेड बाई द थिंग्स दैट यू डिड नॉट डू रान द वंस दैट यू डिड सो आज से बीस साल बाद या जब भी यू you नो know, दस पंद्रह साल बाद वेन यू थिंक एंड लुक बैक एट योर लाइफ वापस अगर आप सोचोगे तो आपको कुछ चीजों पे अफसोस हो सकता है हो जो चीजें आपने की वो आपने क्यों की उसके ऊपर अफसोस आपको शायद नहीं होगा लेकिन आपको ज्यादा अफसोस इस बात पे होगा कि आपने जो चीजें करने के बारे में सोचा था और नहीं किया जो चीजें आपने ट्राई नहीं की जो चीजें आपने नहीं की उसके बारे में ज्यादा अफसोस होगा आपको राधर देन दोज थिंग्स जो आपने एक्चुअली किया जो किया वो गलत क्यों हुआ उसमें गलती हुई दो थिंग्स आर नॉट दैट पेनफुल ज्यादा पेनफुल ये होगा कि आपने कुछ ट्राई ही नहीं किया लाइक like, आपने सोचा कि आप एग्जाम देंगे लेकिन आपने ट्राई ही नहीं किया और जब तक आप रियलाइज करते हैं तब तक आपकी ऑलरेडी अटेम्प्ट एज खत्म हो चुकी है सो वेन यू हैव दॉर्चुनिटी देन प्लीज एक्सप्लोर ड्रीम एंड डिस्कवर एज सेट बाई द ग्रेट मार्क ट्वेन सो लेट्स बिगिन वाई एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल क्यों एक अच्छा ऑप्शनल है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा वो जरूर देख लें हाउ टू एस एंथ्रोपोलॉजी ठीक है वंस यू हैव डिसाइडेड कि एंथ्रोपोलॉजी इज द ऑप्शनल दैट यूर गोइंग विथ सो उसके बाद कैसे इसमें ऐसा करें कि यू गेट गुड मार्क्स सो यहाँ पे कुछ फोटोज लगे हुए हैं शुभम कुमार रैंक वन आए थी इनकी और दिस इज अक्षत जैन ये रैंक टू थे शायद उनके वाले ईयर में अनुदीप दूर शेट्टी अगेन रैंक वन सचिन कुमार गुप्ता आई थिंक रैंक थ्री आई थी इनकी श्रेयांस कुमत आई थिंक रैंक फोर या फाइव थी इनकी अलग अलग ईयरस में इन्होंने अपियर किया हुआ है बट यस दीज आर दीपल ये सिर्फ टॉप वन टू थ्री है एंथ्रोपोलॉजी लेके बहुत सारे बंदों ने बहुत अच्छे रैंक्स लाए हैं इनफैक्ट

एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लेने से ही थ्री हंड्रेड प्लस आ जाएंगे आपके इज जस्ट टेकिंग एंथ्रोपोलॉजी गोइंग टू अश्योर यूर थ्री हंड्रेड प्लस ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि ठीक है एंथ्रोपोलॉजी लोग ले रहे हैं और तीन सौ प्लस स्कोर कर रहे हैं सो हम भी एंथ्रोपोलॉजी लेंगे और तीन सौ प्लस स्कोर करेंगे बट यू नीड टू रिमेंबर की हर कोई एंथ्रोपोलॉजी लेते ही तीन सौ नहीं आ रहा है देर आर फ्यू गाइज बहुत कम बंदे हैं जिनका थ्री हंड्रेड प्लस आ रहा है मेजोरिटी ऑफ द गाइज आर स्टिल ज और पुअरली वाई बिकॉज सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी लेने से नहीं होगा लाइक एनी अदर ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में भी देर आर सर्टन थिंग्स एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल गिवस यू ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू स्कोर गुड मार्क्स ऐसा क्यों है वो मैंने ऑलरेडी वाई टेक एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल उसमें डिस्कस किया हुआ है बट लाइक एनी अदर ऑप्शनल फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो आपको कुछ चीजें बहुत रिलीजियसली डिलीजेंटली फॉलो करनी पड़ेगी तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे लाइक नंबर वन नंबर वन है पहले आपको स्टार्ट करना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा यहाँ पे जो आप कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लेकर या कोई भी ऑप्शनल लेकर सो पहला चीज जो आपको करना है फर्स्ट थिंग दैट यू हैदलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले आप जो भी ऑप्शनल सेलेक्ट सेलेक्ट कर कर रहे रहे हो हो या करने की कोशिश इवन ट्राइंग टू डिसाइड कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है सबसे पहले आपको सिलेबस लेके बैठना चाहिए आप एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस गूगल से डाउनलोड कीजिए लेके बैठिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठिए पहले सिलेबस के पॉइंट बाई पॉइंट एक एक फ्रेज को एक एक लाइन को पढ़ के देखिए क्या कुछ देखने में बहुत हिब्रू लग रहा है ऐसा लग रहा है जो कभी आपने सुना ही नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है या फिर देख के लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है या फिर रीड करके उसको आपको अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है कि इंटरेस्टिंग होने वाला है आ, अगर मजा आ रहा है तो ठीक है गुड एक बार सिलेबस को पूरा अच्छे से देखें एक एक पॉइंट्स को रीड करें और ये आपको एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स करना है रीडिंग ऑफ द सिलेबस इज अ प्रैक्टिस जो लोग इग्नोर करते हैं या तो करते ही नहीं है या फिर जस्ट एक बार दो बार करके छोड़ देते हैं ये आपको बीच बीच में हर एक कुछ दो तीन दिनों के बाद सिलेबस को लेके बैठिए और जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सोच रहे हैं कि सिलेबस देख यू नो सिलेबस की लाइंस को मग अप करके क्या होगा बट अगर आपके सिलेबस सिलेबस की लाइंस आपको अच्छे से पता है तो आप जो भी रीड कर रहे हो मे बी यू आर रीडिंग द हिंदू का न्यूज़ पढ़ रहे हो आप न्यूज़पेपर पढ़ते, पढ़ते पढ़ते आपको एक न्यूज़ आया कि यू नो फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में कर्नाटका में देर इज अ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन की देर आर समझ मॉल्स हैं वहां पे जो पोस्टर लगे हुए इंग्लिश में पोस्टर इंग्लिश में लगे हुए हैं वहां पे कन्नड़ लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है सो देर इज अ ग्रुप देर इज अ ग्रुप इन कर्नाटका वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि ऐसे नहीं चलेगा ये मॉल्स को बंद करा देंगे हम हम मॉल्स को नहीं चलने देंगे मॉल्स को उन्होंने वैंडलाइज किया है वहां पे जाके तोड़फोड़ करी है कि यहाँ पे आपको कन्नड़ लैंग्वेज के साइन बोर्ड लगाने पड़ेंगे इंग्लिश नहीं तो आपको ऐसे लगेगा न्यूज पेपर रीड करके कि ये न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट ये क्या है मारपीट गुंडागर्दी वाला न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट अगर आपने सिलेबस को अच्छे से रीड किया हुआ है उसको इंटरनालाइज किया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सिलेबस को आपको इंटरनालाइज करना है सिलेबस आपके दिमाग में फ्लोट करना चाहिए तो जब सिलेबस को इंटरनालाइज किया है तो ये न्यूज पढ़ के आपको लगेगा अच्छा हमारे सिलेबस में एक टर्म है रीजनलिज्म मतलब किसी एक रीजन के कल्चर को लेके लैंग्वेज को लेके यू नो जो एक शोविनिज्म होता है कि हमारा ही बेस्ट है और दूसरे को हम नहीं चलने देंगे यहाँ पे शोविनिज्म कल्चरल शॉविनिज्म ये रीजनलिज्म जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है उससे ये न्यूज डायरेक्टली फिट बैठता है उसमें दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्डिंग आउट करेंटली इन इंडिया सो so, इस तरह का आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको उसको सिलेबस से रिलेट कर पाएंगे आप उसको नोट करके रख लेंगे एज एन एग्जाम्पल और केस स्टडी ये आप तभी कर पाएंगे और आपको सिलेबस पता है अगर सिलेबस आपका यू नो जब पढ़ते पढ़ते सिलेबस खत्म करते 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 अगर मेंस आ गया तब आपको रियलाइज होता है कि अच्छा सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो साल भर जो आपने न्यूज पढ़ा वो तो मिस आउट हो गया वहां पे से आप कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट नहीं कर पाए सो दैट्स वाई इज दिलेबस प्रॉपरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको रेगुलरली करते रहना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टर्म रीजनलिज्मीजनलिज्म कैसे आते हैं रीजनलिज्मे किस डेप्थ के क्वेश्चन आते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सो so, वो समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने हैं सो so, आपको सिलेबस को देखते रहना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बार बार देखते रहना है नंबर वन हो गया नंबर टू फिनिश एट लीस्ट वन रीडिंग बिफोर प्रिलिम्स प्रिलिम्स के पहले प्रिलिम्स जब आपका आ जाएगा इनफैक्ट देखिए प्रिलिम्स क्या होता है आपका मई के आसपास प्रिलिम्स होगा मई में प्रिलिम्स होगा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो नए हैं जिनका प्रिपरेशन उतना तगड़ा नहीं है वो तकरीबन जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये चार महीने वो प्रिलिम्स की तैयारी करेंगे Mostly dedicated to prelims. जो बंदेजन uh, जो मल्टीपल टाइम्स क्लियर कर चुके हैं पॉसिबली वो लास्ट तीन महीने या लास्ट दो महीने मार्च अप्रैल पढ़ के उनका हो जाए बट ज्यादातर स्टूडेंट का क्या हुआ कि जनवरी के बाद आप प्रिलिम्स पे पूरा डेडिकेट हो जाएंगे तो यानी कि जिस ईयर में आप प्रिलिम्स दे रहे हैं उस ईयर में आप प्रिलिम्स के पहले आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है तो उसके पहले वाले साल में यानी कि अगर आप टू थाउजेंड 25 में आप अगर प्रीलिम्स दे रहे हो तो so 2025 के जनवरी से आपको टाइम नहीं मिलने वाला है सो so आपको 2024 के दिसंबर दिसंबर 2024 तक आपके पास टाइम है जहां पे आपको ऑप्शनल एट लीस्ट एक बार अगर आप ज्यादा कर सको तो और अच्छा है बट एट लीस्ट वन रीडिंग ऑफ द एंटायर सिलेबस आपकी अच्छे से हो जानी चाहिए एंड दिस वन रीडिंग मतलब मतलब नॉट मीन ओनली रीडिंग इट आल्सो इंक्लूड्स रिवीजन सो so, मैं उसके बारे में बात करूंगा रिविजन के बारे में अगले पॉइंट में बात करूंगा सो एटलीस्ट वन रीडिंग आपको खत्म कर देनी है डू नॉट वेट कि मैं प्रिलिम्स के बाद मैं ऑप्शनल पढ़ना शुरू करूंगा बिकॉज प्रिलिम्स के बाद आपको uh, होगा ये कि यू विल हैव जनरल स्टडीज वन टू थ्री फोर विल हैव ऑप्शनल विल हैव एसे का भी कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड देन विल हैव

कोशिश करनी है कि एटलीस्ट दिसंबर तक एक बार अच्छे से खत्म कर लेना है उसके बाद आप जनवरी से मई तक जो है उसमें भी आप मे बी वीक में वन डे यू कैन कीप वीक में एक दिन रख सकते हैं जिसमें आप ऑप्शनल को रिवाइज करेंगे पॉइंट नंबर थ्री ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर एक एग्जाम का टॉपर जिसने भी एग्जाम क्लियर किया है वो आपको ये बात बार बार बताएगा और ये एक बात आप बार बार अलग अलग जगहों से सुनते हो पढ़ते हो जानते हो फिर भी एवरी वन इग्नोर दिस पॉइंट हर कोई इस पॉइंट को इग्नोर करता है रिसोर्सेज हैव टू बी मिनिमम मिनिमम रिसोर्सेज और मिनिमम रिसोर्सेज रखने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत नया सब्जेक्ट है एटीन एटीज एटीन फिफ्टीज

अगर आ, आप वेद सर की बुक पढ़ रहे हैं तो प्लीज स्टिक टू वेद सर ओनली साथ में कुछ इधर उधर से इंटरनेट से ऐड कर सकते हैं आप बट डू नॉट रीड मल्टीपल सोर्सेज फॉर वन पार्ट ऑफ द सिलेबस मिनिमम रिसोर्सेज अगर आप मिनिमम रिसोर्सेज रखेंगे तो ही मैक्सिमम रिविजन कर पाएंगे और मैक्सिमम रिविजन तीन से पांच बार रिवाइज किए बिना आज तक कोई भी आई नहीं बना है यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम इफ यू द इंटायर थिंग एटलीस्ट थ्री टू फोर टू फाइव टाइम्स सो मैक्सिम रिविजन मिनिमम रिसोर्सेज अब रिविजन के बारे में लोग क्या करते हैं नॉर्मली ठीक है पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे उसके बाद रिवाइज करेंगे पूरा खत्म कर लेंगे उसके बाद रिवाइज करेंगे वो करने से बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज पूरा खत्म करते करते आपको पाँच महीने लगेंगे पाँच महीने के बाद जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो आप भूल चुके हैं आपको बिल्कुल याद नहीं है आप जब रिवाइज करने बैठेंगे तो लगेगा अरे ये तो लग रहा है कि फर्स्ट रीडिंग हो रहा है कुछ याद नहीं है सो so, रिवीजन आप पूरा खत्म करने के बाद नहीं कर सकते हैं रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आपको हर एक वीक में टाइम देना है सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आप ऐसा कुछ करें कि लाइक वेडनेसडे एंड संडे यू कीप फॉर ओनली रिविजन इसमें मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगा आई विल नॉट रीड एनी थिंग न्यू बहुत अर्ज बहुत मन करता है कि नहीं यार कुछ नया पढ़ लेते हैं कुछ नया पढ़ लेते हैं कोई नया टॉपिक कवर करते हैं और रिविजन करने बैठना बहुत बोरिंग लगता है जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ उसको दोबारा पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है बट दिस बोरिंग थिंग इस बोरिंग चीज को जो कंसिस्टेंटली रेगुलरली करते हैं वही एग्जाम क्लियर करते हैं सो so वीक में एटलीस्ट एटलीस्ट नहीं दो दिन रख लीजिए आप वेडनेसडे एंड सैटरडे और संडे ऐसे करके या फिर ओनली सैटरडे संडे जस्ट कीप एनी टू डेज इन द वीक वेर यू विल डू ओनली रिविजन सिर्फ रिविजन इसमें कुछ नया नहीं पढ़ेंगे हमने इस वीक में या पिछले वीक में जो भी पढ़ा है मे बी इट इज़ प्रम्स रिलेटेड मे बी इट इज़ ऑप्शनल रिलेटेड वट एवर आप उसको रिवाइज करें रिविजन बार 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 करेंगे इट कैन ऑल्सो भी रिविजन ऑफ मंथली कंपाइलेशन आप सपोज विजन का मंथली कंपाइलेशन पढ़ते हो जनवरी का कंपाइलेशन फरवरी में आया आपने पढ़ लिया फरवरी का मार्च में आया आपने पढ़ लिया बट आपने पढ़ के छोड़ दिया उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो भी आप भूल जाओगे बिकॉज मंथली कंपाइलेशन भी बहुत डेटा हेवी होता है उसके अंदर बहुत डेटा बहुत इंफॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको भी रिवाइज करना है सो so, इस तरह के रिविजन के लिए वर्ड जो भी आपने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करने के लिए आप वीक में एवरी वीक में दो दिन होगा जहां पे आप सिर्फ रिवाइज करें ये अगर रेगुलर करेंगे तो ही आपका सिलेबस अच्छे से खत्म होगा नंबर फोर वैल्यू एडिशन ये वर्ड भी बार बार सुनने को आता है वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन उसका मतलब क्या है उसका मतलब यही है कि आपको आपको आंसर को और भी अच्छा बनाना है आंसर को और भी वैल्यूएबल और भी अट्रैक्टिव बनाना है कि जो एग्जामिनर आपका आंसर देखे उसको आंसर देख के अच्छा लगे एक बंदा पचास कॉपियां चेक कर रहा है एवरीडे हर दिन फिफ्टी आंसर शीट्स अज चेकिंग अ वेरी मोनोटोनस अ वेरी बोरिंग जॉब तो उसको अच्छा लगेगा अगर सडनली किसी की आंसर शीट आए जिसमें डायग्राम्स अच्छे से बने हुए हैं लेबलिंग किया हुआ है अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सो रिफ्रेशिंग लगेगा बंदा अच्छे से रीड करेगा आपके आंसर शीट ठीक है सो so, इसके लिए नंबर वन जो है जो कि बहुत चांस है एंथ्रोपोलॉजी में बहुत जिसका मौका मिलता है वो है डायग्राम्स अब डायग्राम्स में अगेन डू नॉट यूज घिसा पीटा डायग्राम्स क्या होता है कि आप पुराने किसी टॉपर के नोट्स डाउनलोड कर लेते हो या कुछ भी बुक से देख लेते हो और एक ही डायग्राम एक ही टाइप का डायग्राम है जो हर कोई रिपीट कर रहा है वही डायग्राम साल दर साल हर एक बंदा वही डायग्राम रिपीट कर रहा है वो मत कीजिए ट्राई टू फाइंड न्यू डायग्राम्स आप नए डायग्राम क्रिएट भी कर सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं कॉन्सेप्ट को इन आउट समझ गए हैं तो आप अपने से डायग्राम क्रिएट भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट है कल्चरल मटेरियलिज्म मार्विन हैरिस कल्चरल मटेरियलिज्म में कहते हैं कि सबसे नीचे होता है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हमारा इकोनॉमिक्स कि हम खाना कहाँ से जुगाड़ करते हैं पेट कहाँ से भरते हैं वो सबसे नीचे होता है उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर होता है स्ट्रक्चर मतलब ये हमारा इकोनॉमी किस कैसे चल रहा है हाउ आर वी प्रोड्यूसिंग फूड इसके ऊपर बेस करके होता है हमारा फैमिली हमारा मैरिज ये सब का जो रूल्स होता है इसको कहते हैं स्ट्रक्चर और इन दोनों के ऊपर इन दोनों के बेसिस पे किस तरह का हमारा फूड प्रोडक्शन सिस्टम है किस तरह का हमारा मैरिज फैमिली का रूल्स है उसके ऊपर हमारा माइथोलॉजी या हमारा रिलीजन होता है उसको जस्टिफाई करने के लिए सबसे ऊपर होता है हमारा माइथोलॉजी या रिलीजन जिसको कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर सो आपने पढ़ लिया सबसे नीचे इंफ्रा उसके ऊपर स्ट्रक्चर उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर डायग्राम कोई किताब में नहीं दिया हुआ फिर भी आप एक डायग्राम खुद क्रिएट कर सकते हो एक पिरामिड शेप का बना सकते हो सबसे नीचे है इंफ्रा जिसमें है फूड प्रोडक्शन उसके ऊपर है स्ट्रक्चर जिसमें है फैमिली मैरिज एटसेट्रा सबसे ऊपर है सुपर स्ट्रक्चर जहां पे है रिलीजियन माइथोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा तो आपने एक डायग्राम एक खुद ही बना लिया एक थ्री टीयर डायग्राम पिरामिड जैसा ये डायग्राम आप खुद से क्रिएट कर सकते हो ठीक है और कोई भी टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल टॉपिक रिगार्डिंग डोमिनेंट कास्ट या कुछ भी कोई भी डायग्राम हो कोई भी टॉपिक हो आप अगर गूगल में जाएंगे गूगल में सर्च करके इमेजेस में सर्च करेंगे सर्च गूगल इमेजेस आपको बहुत सारे नए नए टाइप के डायग्राम्स मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के लिए सो ट्राई टू फाइंड न्यू डायग्राम्स रादर देन स्टिकिंग टू द सेम डायग्राम्स जो पहले पिछले साल लोगों ने यूज किया है हर साल एक ही डायग्राम रिपीट करने से अच्छा है आप अपने नए डायग्राम क्रिएट करें नए डायग्राम खोज के लाएं उससे आपके आंसर शीट दूसरों से अलग लगेंगे इमेजिन कीजिए पचास कॉपियां चेक हो रही हैं उसमें फोर्टी नाइन कॉपीज में एक ही टाइप का डायग्राम है आपका डायग्राम अलग है डेफिनेटली इट विल बी आई कैचिंग और बंदे को अच्छा लगेगा मार्क्स जीरो या वन मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ठीक है और अगेन डायग्राम्स में लोग सोचते हैं कि ठीक है डायग्राम में हमें बनाना है स्कल ह्यूमन स्कल या चिंपैंजी का स्कल बहुत डिफिकल्ट है आप अगर गूगल में चिंपैंजी का स्कल का डायग्राम देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको सो so, प्रैक्टिस करते करते इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है डायग्राम्स को और मेरे आई ऑल्सो मेक वीडियो मेरे वीडियोज में आई ऑल्सो कवर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ऑल डायग्राम्स सारे डायग्राम्स के सिंप्लीफाइड वर्जन कवर करने की कोशिश करूंगा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लीजिए चिंपैंजी का स्कल बनाना है तो बुक्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया होता है आप एक सिंपल प्रैक्टिस करते करते एक सिंपल डायग्राम आप बना सकते हैं कुछ इस तरह से दिस इज़ अ वेरी सिम्प्लीफाइड डायग्राम वेयर यू हैव ऑल द थिंग्स लाइक अच्छा और डायग्राम्स को प्रॉपरली लेबल करना ब्राउ रिज़ेस डायग्राम्स को कैसे लेबल करना है डायग्राम्स को आंसर्स में कहाँ प्लेस करना है डायग्राम्स को और कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यू कैन चेक दैट ठीक है सो डायग्राम्स को प्रॉपरली लेबल कर दीजिए ठीक है इस तरह के सिंप्लीफाइड डायग्राम्स बहुत ईजीली प्रैक्टिस करके सीखे जा सकते हैं ठीक या फिर मान लीजिए देर इज अ क्वेश्चन ऑन पेस्टोरल ट्राइब्स ऑफ इंडिया सो आपको इंडिया मैप बनाना होगा आप सोचे कि इंडिया मैप तो यार बहुत डिफिकल्ट है बट उतना डिफिकल्ट नहीं है इंडिया मैप बनाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी प्रैक्टिस में आप विद इन टेन टू ट्वेल्व सेकेंड्स एक अच्छा मैप बना सकते हो ये मैं एक पेन टैबलेट यूज करके कर रहा हूं जो कि डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू पेन एंड पेपर सो so, अगर पेन टैबलेट यूज़ करके मैप बनाया जा सकता है तो पेन और पेपर से और भी इजीली बन जाएगा सो देखिए इंडिया मैप अराउंड टेन सेकेंड्स के अंदर हो जाता है आप इस पर लेबल कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल लद्दाख के यहाँ पे बी चांग पाज़ अरुणाचल के यहाँ पे बी मोन पाज उसके बाद आपका इस एरिया में बकरवाल गद्दी रहेंगे गुज्जर्स भी होंगे समवेयर हीर उसके बाद फिर आप केरला में कर दोगे यहाँ पे नीलगिरी के यहाँ पे तोड़ास कर दोगे उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में लम्बाडीज गुजरात में मालधारीज़ ठीक है सो so ऐसे करके यू नो यू विल हैव डायग्राम्स अगर आप बना पाओगे अपने में, तो डायग्राम से में आप कुछ नहीं होगा तो आपकी डायग्राम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी स्पीड भी अच्छी नहीं होगी सो so, अगर आपको डायग्राम्स अच्छे से एग्जाम में बनाने हैं तो उसके लिए सारे साल पूरे साल आपको डायग्राम्स का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा डायग्राम्स का प्रैक्टिस विल गो अलोंग थ्रू आउट ठीक है अच्छा नंबर टू वैल्यू एडिशन में के स्टडीज या एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स होते हैं मीन शॉर्ट एग्जाम्पल्स हम देते हैं उसको एग्जाम्पल बोलते हैं जब डिटेल्ड एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा लंबा एग्जाम्पल उसको बोलते हैं के स्टडी सो अगेन के स्टडीज एग्जाम्पल्स भी आपको बुक्स में और प्रीवियस ईयरस के टॉपर्स के नोट्स में मिल जाएंगे बट वो अगेन घिसे पिटे पुराने वाले होंगे जो ऑलरेडी कई बार यूज हो चुके हैं आपको खुद के नए एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज लेके आने हैं जो कि बहुत ही बहुत ही आसान है फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक है रीजनलिज्म का जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी रीजनलिज्म कम्युनलिज्म या या कोई भी टॉपिक है से फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली वर्लरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर कुछ है या सिक्स शेड्यूल के ऊपर कुछ है सेवन कुछ भी कोई भी टॉपिक है या कोई नया फॉसिल uh, फाइंड के ऊपर जो भी टॉपिक है हर एक टॉपिक को आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको लेटेस्ट न्यूज मिल जाएगा किसी भी टॉपिक के ऊपर लेटेस्ट न्यूज मिल जाएगा आप लेटेस्ट न्यूज को नोट करें एंड क्रिएट योर के स्टडीज एंड एग्जांपल्स फ्रॉम द लेटेस्ट न्यूज जहाँ तक ट्राइबल्स का सवाल है एक बहुत अच्छा सोर्स है जो जिसको कहते हैं राज्यसभा टीवी जो पहले हुआ करता था अभी तो संसद टीवी हो गया है राज्यसभा टीवी में एक शो आया करता था मैं भी भारत मैं भी भारत इसमें तकरीबन पचास एपिसोड्स हैं हर एक एपिसोड में किसी एक ट्राइब के बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री है सो so, वहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको मिल जाएंगे सो वॉट आई विल डू इज मैं इसको आ, इसका जिस्ट बनाऊंगा आई बी मेकिंग वीडियोस जहाँ पे मैं सारे राज्यसभा टीवी के जो जितने सारे एपिसोड्स हैं हर एक एपिसोड में किस ट्राइब की बात हो रही है वहाँ से क्या क्या पॉइंट्स हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसका मैं उसके मैं वीडियो सीरीज बना दूंगा ठीक है सो कीप वॉचिंग आप देखते रहिए मिलेंगे वीडियोज उसके अच्छा लेटेस्ट करेंट अफेयर्स लेटेस्ट फैक्ट्स लेटेस्ट फिगर्स ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू एड करेंगे आप एग्जाम्पल अगर तीन साल चार साल पुराना दे रहे हैं तो डस तो, तो, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा लेटेस्ट न्यूज पढ़ते रहे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि रिसेंटली uh, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है चार पांच दिन पहले न्यूज आया है कि जितने सारे जितने सारे सॉरी uh, जितने सारे पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये सारे पी के जो हैबिटेशन हैं वहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स को पहुंचाने के लिए एक वन वीक का ड्राइव है या दस ऐसे सात दिन या दस दिन के अंदर प्लान किया गया है कि सारे पीवीटीजी एरिया में उनको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं आधार राशन कार्ड ये उनका बना दिया जाएगा बिकॉज विदाउट आधार एंड राशन कार्ड इनको गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं मिल रही हैं सो so ये जो स्कीम है पीवीटीजी वाला ये न्यूज में है बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ दिनों पहले ओडिशा में न्यूज चल रही थी कि ओडिशा में जो ट्राइबल लैंड है उसको इजीली नॉन ट्राइबल्स खरीद पाएंगे उसके ऊपर कोई लॉ ओडिशा असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ था सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइबल राइट्स को लेके ट्राइबल लैंड राइट्स को लेके मैटर बट उसके बाद फिर क्या हुआ कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल टीए एक बॉडी है जो होती है फिफ्थ शेड्यूल के अंडर ये टी ने एडवाइस किया और गवर्नमेंट ने एडवाइस को सुनते हुए इस बिल को

थिंग्स रिलेटेड टू कास्ट शेड्यूल कास्ट वाले मैटर्स और उसके बाद हाउ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट पॉलिटिक्स भी हमारे एंथ्रोपोलॉजी uh, uh, के पेपर टू में है तो so ये सारे न्यूज इम्पोर्टेंट रहेंगे सो लेटेस्ट करेंट अफेयर आपको फॉलो करते रहना है अगर आप इसको छोड़ देंगे कि साल के अंत में कहीं से मिल जाए और आप उसको पढ़ ले तो नहीं होगा पूरे साल पढ़ेंगे तो ही आप उसको अच्छे से समझ के आंसर में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे अच्छा सिंस एंथ्रोपोलॉजी एक ऑप्शनल है इट इज नॉट जनरल स्टडीज सो so, जैसा कि हर एक ऑप्शनल में होता है आपको डेफिनेशन मग अप करने होते हैं ये डेफिनेशन आप अगर अच्छे से मग अप करके लिखे हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे मग अप नॉर्मली हम बोलते हैं कि रटना यूपीएससी वाला तरीका नहीं है बट यूपीएससी में ऑप्शनल में रटना पड़ता है क्या रटना पड़ता है डेफिनेशन आपको रटने पड़ेंगे परिभाषाएं ऑथर्स के नाम और उनकी किताबों के नाम ऑथर्स देयर वर्क्स एंड डेफिनेशन ये आपको मग अप करेंगे तो आपके आंसर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे जो पॉइंट नंबर वन टू एंड थ्री यहां पे है वन मतलब डायग्राम्स और के स्टडीज एग्जाम्पल्स एंड लेटेस्ट करेंट अफेयर्स इसके लिए आपको इंटरनेट का बहुत हेवीली यूज करना है इंटरनेट का यूज करके लेके आना है बिकॉज आप जो भी किताब पढ़ेंगे हर एक किताब चार पांच साल पहले तीन साल पहले पब्लिश हुई है अपडेट नहीं हो रही है सो so आपको इंटरनेट यूज करना है फॉर लेटेस्ट डायग्राम्स फॉर के स्टडीज एंड लेटेस्ट करंट अफेयर्स पॉइंट नंबर फाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन को paper 1 से, paper 1 को से, से आप link करें. So, for example, क्या होता है है, कि मान लीजिए आपको question एक आया हुआ पेपर टू का कोई चीज़ मेंशन नहीं कर रहे हैं आप पेपर टू को सोच रहे हैं कि ठीक तो है, है, तो का इसमें मैं paper 2 के टॉपिक को क्यों घुसाऊं या पेपर टू के एग्जाम में मैं पेपर वन के टॉपिक को क्यों घुसाऊं अगर आप एक्चुअली ऐसा करेंगे पेपर वन के टॉप आंसर में पेपर टू के टॉपिक को भी मेंशन करेंगे या पेपर टू में पेपर वन यू नो के टॉपिक uh, को भी मेंशन करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स बिकॉज तब एग्जामिनर को लगेगा कि आपने पूरे सिलेबस को एज अ होल अच्छे से कवर किया है सिलेबस आपको इन आउट अच्छे से पता है मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आप एक पेपर टू का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन पेपर टू एंड द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम जो हमारे पेपर टू में है कास्ट सिस्टम का ओरिजिन ओरिजिन का जो मिथ है ओरिजिन का एक मिथ है कि देयर इज हिम इन द रिग्वेदा जिसमें दिया हुआ है कि आदि पुरुष ऋग्वेदा में जो पुरुष सूक्त हिम्न है पुरुष हिमन इन ऋग्वेद uh, उसमें लिखा हुआ है कि यू नो द ब्राह्मण्स केम फ्रॉम द हेड क्षत्रिय भुजाओं से वैश्य जांघों से और शूद्र फ्रॉम द फीट ऑफ द आदि पुरुष सो ये एक मिथ uh, myth है माइथोलॉजी है है लेकिन पेपर वन का एक है। अगर आप अच्छे सिलेबस को कवर किए हुए हो तो आपको समझ में आएगा अरे ऐसा कुछ तो मैंने पेपर वन में फंक्शनलिज्मिज्म फंक्शनलिज्मली जो है मेलिनास्की का एक एग्जाम्पल वो मेदिनास्की ने भी दिया हुआ है कि कैसे एक आ, आ, ट्राइब है वो ट्राइब एक आइलैंड है वहां पे दो कम्युनिटीज रहते हैं दो कम्युनिटीज एक कम्युनिटी का अपर स्टेटस है दूसरे का लोअर स्टेटस है सो so ये अपर एंड लोअर स्टेटस में झगड़ा ना हो और ये चुपचाप अपने स्टेटस को मान के बैठ जाए कि ठीक है हम तो लोअर स्टेटस ही है और हम अपर स्टेटस ही हैं इसको मान के बैठे रहे और स्टेटस को बना रहे स्टेटस को मतलब चीजें जैसी चल रही हैं वैसी बनी रहें कोई विद्रोह ना करे कोई आ, उस, विरोधिता ना करे कोई अपोज ना करे कोई प्रोटेस्ट ना करे चीज़ें जैसी चल रही है वैसी चलती रहे और सोसाइटी जैसी चल रही है वैसे चलती रहे कोई भी उथल पुथल ना हो ये स्टेटस को, को बनाए रखने के लिए यहाँ पर ये जो अपर जो अपर स्टेटस वाली कम्युनिटी है उसने एक माइथोलॉजी बनाई है एक मिथ बनाया है उस मिथ में है कि कैसे बिकॉज ऑफ सम हिस्टोरिकल रीजनस इनके एंसेस्टर्स की कुछ गलतियों के चलते ये वाला ग्रुप जो है वो नीचे आ गया वो अपवित्र हो गया और ये वाला ग्रुप ऊपर चला गया So, वो गलती का प्रायश्चित करने के लिए ये वाला जो ग्रुप है कम्युनिटी वो लो हो गई है नीचे आ गए हैं और चुपचाप इनको नीचे बने रहना है सो so, इस तरह का एक स्टेटस को को जस्टिफाई करने के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में भी बात की गई है फंक्शनलिज्म में भी बात की गई है सो so, आप ये पेपर टू का आंसर लिखते वक्त वहां पे पेपर वन के थ्योरी चैप्टर से मेलिनोस्की का नाम मेंशन कर सकते हो ठीक है आप जो भी यू नो थ्योरी है फंक्शनलिज्म उसको मेंशन कर सकते हो ऑल्दो ये पेपर वन का टॉपिक है आप पेपर टू में करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने सिलेबस को अच्छे से खत्म किया है उसी आप दोनों पेपर को लिंक कर पा रहे हो आपने ज्यादा होलिस्टिकली समझा है ठीक है आप तो, तो इसलिए आपने ऊपर ऊपर से रीड नहीं किया है आपने अंदर घुस के डीपली समझा है ऐसा आप लिंकिंग करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ठीक है और एक और है मान लीजिए जेंडर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इशू है जो कि सोसाइटी पेपर टू में आ सकता है जेंडर रिलेटेड इशू तो उसमें भी आप यू नो देर आर थ्योरीज इन पेपर वन जिसको मेंशन किया जा सकता है ठीक है पेपर वन में कुछ थ्योरीज हैं विच टॉक अबाउट यू नो जेंडर डिफरेंसेस उसको मेंशन किया जा सकता है सो so, इस तरह से आप अगर पेपर वन के टॉपिक्स वो पेपर टू के आंसर्स में भी घुसा पाओगे और पेपर टू के टॉपिक्स को पेपर वन के आंसर्स में भी घुसा पाओगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स अब पॉइंट नंबर फोर एंड पॉइंट नंबर फाइव दैट इज इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स एंड ये वैल्यू एडिशन ये आप अच्छा अच्छी तरह से तभी कर पाओगे अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया हुआ है अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किए हो सिलेबस को अच्छे से जानते हो समझते हो तभी आप अपने से एक डायग्राम क्रिएट कर पाओगे अगर टॉपिक को समझते नहीं हो आप तो आप डायग्राम क्रिएट नहीं कर पाओगे जैसा हमने बताया ये कल्चरल मटेरियलिज्म का हमने डायग्राम क्रिएट किया वो अगर आप टॉपिक समझते हो कल्चरल मटेरियलिज्म में है क्या तभी डायग्राम क्रिएट कर पाओगे या फिर आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो जैसा कि मैंने बताया कर्नाटका में जो तोड़ हुई मॉल में जो वैंडलिज्म हुआ कि यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज चाहिए वो दैट न्यूज कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर योर एग्जाम वो आपको तभी मालूम चलेगा अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है और रीजनलिज्म डिजनल, डिजन, क्या है वो आप समझते हो तभी आप कर पाओगे सो so, आपको कौन सा यू नो न्यूज कौन सा uh, डायग्राम क्या कहाँ पे यूज करना है कौन से टॉपिक को किसके साथ लिंक करना है ये आप अच्छी तरह से तभी कर पाओगे अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया well, नहीं होगा मेकिंग नोट्स हर कोई नोट्स बनाना चाहता है मेकिंग नोट्स इज अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग हर कोई चाहता है कि मैं नोट्स बनाऊं कैसे बनाऊं कब बनाऊं प्लीज डू नॉट मेक नोट्स जब आप पहली बार रीड कर रहे हैं नेवर एक रीडिंग में पहली रीडिंग करते हुए या पहली रीडिंग के बाद नोट्स ना बनाएं ऐट लीस्ट दो तीन बार रिविजन हो जाने के बाद पहले आप बुक्स रीड कीजिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज है काफी लिमिटेड बुक्स है एंथ्रोपोलॉजी में उनको रीड करते वक्त आप अंडरलाइन करते चलिए और कैसे मालूम चलेगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आप सिलेबस को अच्छे से अगर रीड किए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखा हुआ है आपने सिलेबस एंड प्रीवियस अच्छे से देखा हुआ है तो बुक रीड करते हुए आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कौन से टॉपिक कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है आप उनको अंडरलाइन करते हुए चलिए फिर रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम्स रिविजन होने के बाद ही आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं पहली बार रीड करते वक्त अगर आप नोट्स बनाने बैठे तो आपके जो नोट्स हैं वो किताबों से भी ज्यादा बल्कि हो जाएंगे योर नोट्स विल बी बल्कियर देन द बुक्स जो मेरे साथ हो चुका है मैंने ये गलती करी थी आई डिड दिस मिस्टेक सो दैट्स मैं आपको बता रहा हूं कि पहली रीडिंग में नोट्स ना बनाए नोट्स हमेशा दो तीन बार रिविजन करने के बाद बनाए तो आपके नोट प्रॉपर ब्रीफ संक्षिप्त नोट्स बनेंगे जितना चाहिए उतना ही नोट आप करेंगे अदरवाइज आप सब कुछ नोट करते चलेंगे और आपका नोट्स किताब से भी मोटा हो जाएगा एवरी वन और एवरी वीक एक या दो पीवा की so, जो जो समझा पढ़ा उस टॉपिक से रिलेटेड इंटरनेट पर डाउनलोड कर, अगर करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज एंथ्रोपोलॉजी का यूनिट वाइज टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है मतलब लास्ट पच्चीस साल के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज डिवाइड करके बनाए गए ऐसे पीडीएफ आपको इंटरनेट में मिल जाते हैं तो वो पी को डाउनलोड कर लीजिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक टॉपिक को खत्म कीजिए अच्छे से समझिए रिवाइज कीजिए और फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए डू नॉट वरी की टॉपिक आंसर कैसा हुआ आंसर शुरू में खराब ही होंगे अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे आंसर लिखना शुरू कर देते हो तो आप इंसान नहीं हो आप भगवान हो एनी एस्पिरेंट इन द बिगिनिंग आंसर की क्वालिटी पुअर होगी ये बहुत नेचुरल है दिस इज पार्ट ऑफ द लर्निंग कर्व सो पहले डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द आंसर्स आप अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सके करने की कोशिश करें एंड डू नॉट वरी अबाउट द टाइम टेकन स्टार्टिंग में आपको टाइम की चिंता नहीं करनी है टाइम की चिंता आपको प्रीलिम्स के बाद करनी है प्रीलिम्स के बाद टेस्ट सीरीज में आपको आस्ते आस्ते टाइम इंप्रूव करना है आपने स्पीड को बढ़ानी है प्रिलिम्स के पहले जब आप वीक दर वीक कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें आप यू टेक योर टाइम टाइम लेके अच्छे से करें बट हर वीक कोशिश करें एक से दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की एंड ट्राई टू बिगिन विथ अर्ली आप दो हजार दस बारह से स्टार्ट करें सीधे अगर आप दो हजार बाईस तेईस का क्वेश्चन उठाएंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे आपको आप पहले आठ दस बारह साल पहले के क्वेश्चन शुरू करें धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन आपको ईजी क्वेश्चन मिलेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा ठीक है एंड सबसे इम्पोर्टेंट नंबर वन क्या है रिवाइज नंबर टू क्या है रिवाइज नंबर थ्री अगेन And number four also, revise. और number five, अगर डालूंगा तो भी वही होगा revise. So, revise, 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 revise करते रहना है जब भी मिले revise करते रहना है अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है सपोज यू आर वर्किंग एंड आपको उतना टाइम नहीं मिलता है सो याद रखिए कि नॉट नेसेसरी कि आप चार पांच घंटे लगातार बैठ के पढ़ें आपको सॉलिड चार पांच घंटे का ब्लॉक नहीं मिलता है तो भी आपको जो टाइम मिल रहा है उसी में करना है मे बी यू आर गेटिंग थर्टी मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स ट्वेल्व मिनट्स कहीं आप ब्रेक में हो लंच ब्रेक में हो ऑफिस में हो या ट्रैवल कर रहे हो बस में या बस से लौट रहे हो घर इन इस टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं कैसे आप जो टॉपिक रीड कर रहे हैं उसका एक काफी शॉर्ट में रात को आपने रीड किया काफी शॉर्ट में दो तीन छोटे छोटे कागजों में नोट कर लें सम ए फोर शीट्स में नोट कर लें और उसको फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख लें इसको मैं बोलता हूँ चिरकुट छोटे छोटे चिरकुट कागज बना लें उसमें आप टॉपिक्स को नोट कर लें जो आप पढ़ रहे हैं आप जीएस में कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी में भी कर सकते हैं इसको आप फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख लें अगले दिन जब आप ट्रैवल कर रहे हैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं बस में ट्रैवल कर रहे हैं उस कागज को बीच बीच में निकालते रहिए उसको देखते रहिए ऑफिस में भी निकाल के उसको देखते रहिए मल्टीपल टाइम्स काम करने के दौरान ही आप एक कागज को देखते रहेंगे आपका रिविजन होता रहेगा तो इवन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे यू नो टाइम मैनेज करना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बट प्लीज न फॉलो दिस टिप ठीक है सो ऐसे करके एंथ्रोपोलॉजी अगर आप फॉलो करेंगे प्रॉपरली तो ही लाइक द टॉपर्स जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं एंथ्रोपोलॉजी की बदौल, बदौलत टॉप फाइव में रैंक लाया है ऐसे ही आप भी थ्री हंड्रेड प्लस मार्क्स ला के अच्छे रैंक ला पाएंगे बिकॉज ऑप्शनल इज मेक और ब्रेक ऑप्शनल अच्छा हुआ तो अच्छा है ऑप्शनल अच्छा नहीं हुआ तो आपके रैंक नहीं भी आ सकते हैं सो फॉलो दिस थ्रू आउट द ईयर सारे साल पूरे साल फॉलो करें इसको एंथ्रोपोलॉजी में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे सो थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई नेम इज चंद्रशेखर चौहान बाय